कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट नीमराणा योगेश देवल ने कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उद्योगों के साथ आज गुरुवार को रिको सभागार में ली बैठक। नीमराणा में राज्य में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को लेकर उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट नीमराणा योगेश देवल द्वारा औद्योगिक निर्यात संवर्धन पार्क स्थित रिको कार्यालय में उद्योग प्रतिनिधियों एवं HR हेड्स के साथ बैठक ली, जिसमें उद्योगों से कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उद्योगों में श्रमिकों की कोविड-19 जांच कराने एवं बाहर से आने वाले श्रमिकों, कर्मचारियों, ड्राइवरों की रोजाना की जांच बॉर्डर पर स्थित चौकी पर बताए उपरांत पॉजिटिव पाने पर उनको क्वारंटीन करना, कच्चे माल आदि को पूर्व की भांति सैनिटाइज कर ये अपने उत्पादन को अग्रसर करें ताकि कोविड-19 के इस बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार की नई मार्ग दर्शिका की पालना करें, इस पर उद्योगों एवं HR हेड्स का प्रतिनिधित्व करते हुए नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के शर्मा एवं महासचिव कृष्ण गोपाल कौशिक ने आश्वासन दिया कि सभी उद्योग कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए पूर्णतः कोविड-19 के नए दिशा निर्देशों की अनुपालना करेंगे। उन्होंने बताया, हमने पूर्व में भी इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया है और आगे भी इसी तरीके से एहतियात बरतते हुए उत्पादन को बढ़ावा देंगे। इन सभी बातों के साथ उद्योगों में हरियाणा से आने वाले श्रमिक, कर्मचारियों एवं कच्चे माल तैयार को लाने के ले जाने की समस्या को काफ़ी गंभीर बताया और सरकार से इस हेतु शीघ्रता से हाईवे खुलवाने की मांग की। उद्योगों ने कहा कि हम पूर्णतः सरकार की सभी गाइडलाइन का पालना करेंगे, किंतु सरकार भी हम उद्योगों की समस्याओं गंभीरता से ले और उनका निस्तारण तुरंत प्रभाव से करे ताकि औद्योगिक प्रोत्साहन को बढ़ावा मिले और उद्योग निरंतरता से अपनी उत्पादन कार्य प्रारंभ करते रहे, जिससे बेरोजगारी पर अंकुश रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाएगी। इस दौरान बैठक में रिको के क्षेत्रीय प्रबंधक RK सिंह, HR फोरम के अध्यक्ष सुधीर तिवारी गिन्नी, महासचिव मांगीलाल धेतरवाल पार्ले, अमित कुमार काई इंडिया, जगदीश सिंह, योगेंद्र यादव हेवल्स इंडिया, अशोक गुप्ता, प्रवीण शर्मा OG पैकेजिंग, JP तवर टोयोटा गोसाई मिंडा, महेंद्र कुमार शर्मा, दीपक शर्मा माइटेक्स पॉलीमर्स, अनिल यादव एपेक्स टू, पवन यादव टोकाई रबर, पंकज चतुर्वेदी, आनंद दीपक डाइकिन इंडिया, विनोद पांडे दुगर ओवरसीज, रोहिता शर्मा, जितेंद्र सिंह हीरो मोटर कॉर्प, कमल धीमान TPR, हिमांशु राज सक्सेना NSPT, नीरज कुमार यादव YTech इंडिया, राजीव ठाकुर, लोकेश शर्मा सेलटेक्स टाइल्स, मुनेश राणा सोवा डेंको, प्रदीप वर्मा डूरालाइन, अनिल कुमार SNG, कुलदीप कुमार TS Tech, देवानंद कहीन इंडिया, राजेश कुमार नेक्स्ट जैन फ्लोरो पॉलीमर, ईश्वर सिंह विवा फूड, राकेश कुमार, संदीप झांगड़ा रिचफील्ड बिस्कुट, RK पार्ले कैंडी, संजय सिंह पाइप हॉटवेयर सहित अन्य उद्योग प्रतिनिधियों एवं HR हेड्स उपस्थित रहे। किन बातों को लेकर हुई है ये कोरोना की जो सेकंड वेव है, जिससे अभी सभी प्रभावित आपको होने लगे, नंबर्स बढ़ने लगे कोविड पेशेंट्स की, तो उसको देखते हुए जो यहाँ पे अपने नीमराणा में इंडस्ट्री है जी, उसमें जो बाहर से लेबर वगैरह आते हैं, उसके संबंध में मीटिंग रखी गई थी, जो CM साहब ने निर्देश दिए हैं और जो बाहर के राज्यों से आने वाले को राजस्थान राज्य में RT-PCR या थर्मल स्क्रीनिंग के बाद में एंट्री, ये इस क्वारंटाइन संबंधी जो नए दिशा निर्देश हैं उनसे अवगत कराने के लिए इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मीटिंग रखी। सर, CM साहब ने ऑर्डर कर रखा है आज से चेक पोस्ट लगाने के लिए, लेकिन अभी तक तो वहाँ लग नहीं पाई है, कोई पहुँचे भी नहीं। देखिए, नहीं मैंने अभी मंगवाए हैं वीडियो, अभी पहुँचे भी नहीं है सर। मैंने अभी अंदर ये बात करी थी, आज से चेक पोस्ट नहीं, नहीं मैंने क्या है वीडियो मंगवाया है वहाँ से, तो मैंने सोचा चलो ठीक है सर से बात करेंगे। नहीं नहीं, वो हो सकता है शुरू में कन्वीनियंट हो, और अभी मैंने अभी जस्ट बात करी थी मेडिकल वालों से कर ली, हमारे जो रेवेन्यू स्टाफ है उनसे कर ली, पुलिस स्टाफ वहाँ पे ऑलरेडी है। तो किस तरीके की आगे अपनी प्रक्रिया रहेगी, जैसे इंडस्ट्रीज के लोग हैं, जैसे पहले कोरोना काल में उनको रोका टोका गया था, उनके साथ पुलिस ने भी अति ज़्यादा ही दिखाई थी, तो उस तरीके का देखने को मिले? हाँ जी, नहीं पिछली बार से भी काफ़ी नंबर कम है, हम इसे कंट्रोल कर लेंगे, अपने जो नए डायरेक्शन उनकी पूर्ण पालना करते हैं उसको कंट्रोल करेंगे। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने
पूर्ण सहयोग और पूर्ण नियमानुसार कार्य करने की आश्वासन दिया, जिसको मॉनिटर करने की आवश्यकता।